फिर से क्या खिलाता है, मैं जैसे कि मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि अभिमन्यु और अक्षरा के सामने रिवील होने वाली है नील और आरुही की रिलेशनशिप। लेकिन जिस तरह से अभिमन्यु और अक्षरा सिचुएशंस को समझकर इस तरह से पता लगने के बाद भी नील और आरुही की रिलेशनशिप को परिवार के सामने नहीं ओपन करने वाले है, लेकिन वही दूसरी तरफ जब आरुही अक्षरा को देख ली, आरुही नहीं चुप बैठने वाली है और वो सीधे जाकर गोयनका मेंशन में गोयनका फैमिली वालों को सब सच बता देगी कि किस तरह अक्षरा वहां पर करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है सबसे झूठ बोलकर। तो अब हम देखने वाले हैं कि जहां एक तरफ सब कुछ अभिमन्यु और अक्षरा ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ गोयनका मेंशन वाले खासतौर से मनीष गोयनका पहुंच जाएंगे बिरला हाउस और अक्षरा को वहां से ले जाने की बात करने लगेंगे। जी हाँ, वो सच अभिमन्यु और अक्षरा मंजरी माँ की हेल्थ की वजह से उसे छुपाना चाहते थे, अब वही सच कहीं ना कहीं डॉक्टर महिमा बिरला, जिसका वो इंतजार कब से कर रही थी, वो उन्हें मौका मिल जाएगा और सच मंजरी माँ के सामने आ जाएगा। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो सच पूरी तरह से सामने आ जाएगा या फिर टुकड़ों में आएगा। और अगर ये सच टुकड़ों में आया तो अभिमन्यु और अक्षरा के लिए इस सिचुएशन को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अभिमन्यु और अक्षरा के रिलेशनशिप के सच को जानने के बाद मंजरी माँ वापस ही कोमा में चली जाएंगी और इस बात का पूरा जिम्मेदार अभिमन्यु फिर से गोयनका मेंशन वालों को ठहरा देगा। और जो थोड़ी बहुत अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते में उम्मीद जागी थी वो बनने से पहले ही फिर से टूटती नजर आएगी। आपको क्या लगता है, जल्दी से राय कमेंट्स में शेयर करिएगा और ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते रहिए ओनली ऑन स्टार प्लस रात 9:30 और टेलीमॉक के साथ यूं ही जुड़े रहें।